गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो अभी हमारी जो वीडियो की सीरीज चल रही है, इसमें मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, उसके पश्चात हमने यह जाना कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह किन किन स्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और उसका व्यंजक हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो तीन स्थितियों की हमने बात की थी, अक्षीय, निरक्षीय और वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक होता है वो किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। आज का जो टॉपिक है छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से कहूं तो लगभग गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि ये टॉपिक पूछा ही पूछा जाता है, दो नंबर में ये टॉपिक आता है। साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहां से बन जाता है। साथ ही ये भी कहूंगा आपको कि ये जो टॉपिक है ये अन्य टॉपिक से रिलेटेड भी है, यानी कि जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे या आगे जाके और कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इस टॉपिक का रिलेशन है। तो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। आज का टॉपिक प्रारंभ करें उससे पहले आप ये जानें कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके द्वारा आज के टॉपिक को हम किस तरीके से रिलेटेड करेंगे और हमारा जो व्यंजक होगा उसकी प्राप्ति किस तरीके से प्राप्त की जाएगी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसमें दो चार्ज होते हैं जिनकी जो प्रवृत्ति है या प्रकृति है वह विपरीत होती है और ये दोनों ही आवेश मिलकर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। उन स्थितियों को हमने अलग अलग पढ़ लिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वह अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये बात आपने समझ लेनी है। हालांकि वो वैद्युत क्षेत्र कहां कितना होता है वो कंडीशन अलग है, लेकिन वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। हम एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखना चाहते हैं। यहां 12th लेवल पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में ही रखा जाता है, हालांकि आप इसको असमान वैद्युत क्षेत्र में भी रख सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आई, वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव को हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखना है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब वह वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो क्या होगा। तो आपको अच्छे तरीके समझना चाहिए कि हो सकता है वैद्युत क्षेत्र में उस पर कोई बल लगे या वैद्युत क्षेत्र उसका विरोध करे या हो सकता है उसका सपोर्ट करे, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा वही हमने देखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को निरूपित कैसे किया जाता है। टॉपिक समझ में आ गया होगा, टॉपिक है जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। बाकी मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूं, सारी चीजें हम यहां सीखेंगे और वो भी सीखेंगे अपने प्रीवियस नॉलेज से। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है ये हमेशा एक समान वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करती है। तो इस तरीके से मैंने कुछ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है और मैं कह रहा हूं कि ये जो समांतर रेखाएं हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को निरूपित कर रही है, जो कि कागज तल में, अब यहां पे तो ये व्हाइट बोर्ड है लेकिन जब अपनी कॉपी में आप काम करोगे तो कागज तल उसको कहेंगे, कागज तल में बाएं से दाईं तरफ है, ये बायां हो गया और इस तरफ को क्या हो गया, दायां हो गया। तो कागज तल में बाएं से दाईं ओर है और ये इस तरीके से लगी हुई लाइन, यानी कि क्षैतिज लाइनें हैं, ये लंबवत नहीं है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाने का तरीका होता है समांतर रेखाएं, सही है। तो यहां पे मैं ई लिख देता हूं, डायरेक्शन आपको मैंने बताई दी है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव अच्छे तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए, उसमें दो आवेश होंगे जो कि एक अल्प दूरी से एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, राइट। तो कैसे रख रहे हैं मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, इसे ये जो मार्कर है इसे ही आप द्विध्रुव समझ लीजिए। इस तरीके से मैं रख सकता हूं, इस तरीके से रख सकता हूं, इस तरीके, मतलब कोई भी तरीका हो सकता है।
तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जब इसको रख रहा हूं तो मैं जो ये लाइन है यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने आपको बताई थी कागज तल में बाएं से दाईं ओर है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके साथ मैं क्या करता हूं, इसको इस तरीके से रखता हूं कि ये कोण बनाए, राइट। ये कोण आप यहां पे देखेंगे, मतलब इस कंडीशन में देखें तब भी ये थीटा है, यहां पे देखेंगे इस तरीके से तब भी थीटा है, और जहां भी होगा मतलब प्रत्येक लाइन के साथ, क्योंकि वो लाइनें समांतर हैं, तो प्रत्येक लाइन के साथ कितना कोण होगा, थीटा कोण होगा। ये समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी एक जगह पे हम इसे दिखा सकते हैं। तो ये थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, राइट। अब आपको पता है इसमें दो पोल होते हैं, तो यहां पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, यहां पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। एक एक बात को आपको केयरफुली सुनना है, अच्छे से समझना है। ये सारा ही ज्ञान आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आप एक क्रमवार पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजें पहले से पता है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर पिछले वीडियो देखें, फिर जाके आपको फिजिक्स अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि हमारा मेथड ही यही है कि आपको एक टॉपिक नहीं पढ़ना है बल्कि टॉपिक्स को रिलेटेड करना है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो ये सिचुएशन हो गई, मैंने थीटा कोण बनाते हुए इसे रख लिया है, ये जनरल कंडीशन है। तो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। उसके बाद होता क्या है, अब आप हर चीज को भूल जाइए कि ये द्विध्रुव है क्या है, आप केवल एक बात ध्यान रखिए कि जब कोई आवेश, ध्यान दीजिए मेरी बातों पे मैं क्या कह रहा हूं, जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या वैद्युत क्षेत्र में होता है, तो उस पर क्या होता है, बल लगता है। अगर आप मेरे सामने होते तो जरूर आंसर करते, तो उस पर बल लगता है। वो बल भी किस तरीके से लगता है, उसके लिए हमें ये नॉलेज होना जरूरी है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो बल लगता है, ध्यान दीजिए इस पे बल लगेगा, जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, राइट। इस साइड में इसमें बल लगा और वो बल कितना लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो बल लगता है वो F इक्वल्स टू क्यू ई होता है। देखिए यहाँ पे जो आवेश है, आवेश का मान क्या है, Q है, और जो वैद्युत क्षेत्र है वो E है, तो ये क्यू ई हो जाएगा। इसे मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है क्योंकि मैं डायरेक्शन ऑलरेडी आपको बता रहा हूं कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। अगर आप डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी ऐसा कर दीजिए, इसके ऊपर भी ऐसा कर दीजिए, बात वही हुई। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। पॉजिटिव में समझ में आ चुका है, तो नेगेटिव बड़ा आसान हो जाता है। जो इस पे बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, ध्यान दीजिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आने चाहिए। इस पे भी बल लगेगा, कितना बल लगेगा, उतना ही लगेगा। क्यों लगेगा, ध्यान दीजिए, आवेश का मान भाई क्यू है, दोनों आवेश के जो मैग्नीट्यूड हैं, जो मान है वो बराबर हैं, राइट। केवल उनकी जो प्रकृति है, उनका जो नेचर है वो विपरीत है। यहां पे वैद्युत क्षेत्र भी हर जगह क्या है, समान है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था यदि असमान होता तो यहां कुछ और वैद्युत क्षेत्र होता, यहां कुछ और वैद्युत क्षेत्र होता, तब जो बल भी लगता वो अलग लगता। तो 12th लेवल पे हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वैद्युत क्षेत्र हमने एक समान लिया है, यानी कि यहां पे भी उतना ही वैद्युत क्षेत्र है और यहां पे भी उतना ही वैद्युत क्षेत्र है। दोनों पे बल लगा, एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगा, एक बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगा। यहां तक समझ में आ गया होगा? अब ये ऐसी स्थिति हो गई, यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये बल इस पे लग रहा है और इस पे लग रहा है, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। इस पे जो बल लग रहा है, आप ध्यान दीजिए, मैं उंगली के द्वारा दिखा, इस पे बल यहां लग रहा है, राइट, और इस पे बल इस तरीके से लग रहा है इस साइड में। अब मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, ये लग रहा है बल, ये बल क्या करेगा, इसको आगे की तरफ धक्का देगा, यानी कि जो ये बल लग रहा है, ये बल क्या करेगा, इसको इस तरीके से आगे की तरफ फोर्स देगा, तो ये यहां से क्या करना चाहेगा, मुड़ना चाहेगा, राइट। उसी टाइम पे, क्योंकि बल तो दोनों साथ लग रहे होंगे, ये वाला बल क्या कर रहा होगा, इसको इस तरफ धक्का दे रहा होगा, यानी कि इस तरफ ये बल लग रहा है। अब आप स्थिति को देखिए, यहां बल लग रहा है, यहां बल लग रहा है, दोनों बल क्या है, बराबर है, और इस तरीके से लग रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए, इस तरीके से लग रहे हैं, ये मेरी उंगलियों पे ध्यान दीजिए, यहां बल लग रहा है, यहां बल लग रहा है, ये बल लग रहा है। तो आप खुद देखिए, ये बल इसको क्या करना चाहता है, घुमाना चाहता है। तो सबसे पहले 11वीं का कॉन्सेप्ट है, जहां पर भी दो बराबर और विपरीत बल होते हैं, इसको हम बल युग्म कहते हैं। एक
छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, दो बराबर किंतु विपरीत बल, राइट, क्या कहलाते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बल युग्म, युग्म राइट कहलाते हैं, बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, दो बराबर किंतु विपरीत बल किसका निर्माण करते हैं, बल युग्म का, नाम ही क्या, बल युग्म, युग्म माने होता है पेयर या एक जोड़ा, और यहां पे बल युग्म कहलाते हैं, राइट, जहां भी बल युग्म होता है, ये बल युग्म कहां कहां होता है, जहां पे आप जैसे जो बोतल का ढक्कन है उसे खोलते हो, जो पानी की टोंटी होगी उसे खोलते, जहां पे भी आप घुमाने का काम करते, जहां पे आपको लगता है कि एक तरफ आप बल लगा रहे हो ठीक उसके विपरीत भी बल लगा रहे हैं, वहां वहां पर बल युग्म होता है। बहुत सारे एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ में, रोज हम इसका प्रयोग करते हैं, नल तो एक बार आप जरूर खोलते होंगे, एक कोई बोतल होगी उसका ढक्कन भी आप जरूर खोलते, बहुत सारी चीजें होंगी, तो ये बल युग्म होता है। और बल युग्म में बोलना क्या, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको रटना नहीं है, आप देख रहे हैं जब दो बराबर बल लगा रहे हो आप किसी चीज पे और विपरीत दिशा में लगा रहे हो तो उसमें एक रोटेशन हो रहा है, वो घूर्णन हो रहा है, घूम रही है, ठीक है। तो भाई जब आपके व्यवहारिक जीवन में वो चीज घूम रही है, वो वस्तु में एक घुमाव आ रहा है या घूर्णन आ रहा है, रोटेशन आ रहा है, तो यहां भी तो यही सब हो रहा है ना, तो यहां भी घूर्णन होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर भी क्या होता है, ये घूमना चाहता है, जिसे हम कहते हैं बल आघूर्ण, बल के कारण आघूर्ण, आघूर्ण माने घूर्णन, सिंपल सी बात है, रोटेशन होना चाहता है, तो यहां पर भी क्या होगा, बल आघूर्ण होगा, हो गया। तो अब हमें समझ में आ गया, इसीलिए मैंने टॉपिक में केवल ये कहा था कि हम जो है जो वैद्युत विधुर्भ है उसको कहां रख रहे हैं, उसको रख रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में। उसके बाद क्या होगा, मैंने कहा हम खुद समझेंगे, हम समझ गए कि उसके बाद क्या होता है, पहली कड़ी हमने जोड़ी कि उन आवेशों पर बराबर किंतु विपरीत बल लगते हैं। उसके पश्चात हमने जो दूसरी कड़ी जोड़ी कि यदि ऐसा हो रहा है, दो बराबर एवं विपरीत बल लग रहे हैं, उनकी क्रिया रेखा अलग है, तो वो उसको घुमाएंगे, और घुमाएंगे तो उसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। तो कुल मिलाकर यहां पर इसमें एक बल आघूर्ण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो अब हमें बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, जो कि बहुत आसान है। तो देखिए यहां पे जो बल लग रहा है, बल का मान है F बराबर QE, ठीक है, इसको अलग अलग लिख लेंगे, एक जो पॉजिटिव आवेश है उसपे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, और जो नेगेटिव है उसमें वैद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या लग रहा है, बल लग रहा है। मैंने केवल एक बल दिखाया है कि जो बल का मान है वो क्या है, F इज इक्वल्स टू क्या है, QE है, राइट, ये बल हो गया। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण के लिए फॉर्मूला होता है, यहां पे देखिए, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा गया बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है, ध्यान दीजिए, कक्षा 11वीं का कॉन्सेप्ट है। क्या कहा मैंने, बल आघूर्ण बराबर होता है बल, मैंने दो में से एक कोई बल लेना है क्योंकि बराबर बल है, और बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब हमारे पास दूसरी समस्या क्या है, क्योंकि टॉपिक तो आसान लगते हैं, सारी चीजें इजी होती हैं, यहां पे बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो अब हमें लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। लंबवत दूरी कैसे ज्ञात की जाएगी, आप यहां से भी लंब ड्रॉ कर दीजिए, लंब ड्रॉ कर दिया, और यहां से भी आप लंब ड्रॉ कर दीजिए, 90 डिग्री का एंगल बन गया, राइट। तो बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये वाली है, कौन सी वाली है, यहां से लेकर यहां, इसको नाम दे देते हैं, नाम नहीं दिया है, ए नाम देते हैं, बी देते हैं, और यहां पे क्या देते हैं, सी। तो जो बीसी डिस्टेंस है ये लंबवत दूरी है, बीसी जो डिस्टेंस है, यहां पे मैं लिख देता हूं, बीसी डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो है लंबवत दूरी, राइट, वो लंबवत दूरी है जो कि हमें चाहिए। अब देखिए आपको क्या क्या पता है, ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल समझाने वाली भाषा है, यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाते, वो नहीं बता रहा, वो मैं बाद में बताऊंगा या वीडियो के अंत में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, अभी मैं पूरा समझाना चाहता हूँ। नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं, जब आपको पढ़ने का तरीका समझ में आ जाएगा तो नोट्स आप खुद बना लेंगे। तो अब हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है, 2a है, राइट, तो ये क्या हो गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण हो गया,
तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने कर्ण होगा, ठीक है। और जो समकोण त्रिभुज है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का सबसे अच्छा यूज यही होता है कि यदि आपके पास कर्ण है, एंगल है, तो आप कोई भी भुजा, कोई भी कोण ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था ये थीटा है तो यहां भी कितना कोण होगा, ये थीटा होगा। ये सारे कोण जो है पैरेलल में कितने होंगे, थीटा कोण ही होंगे। तो आपको जरूरी नहीं है यहां दिखाना, यहां कहीं भी दिखा दीजिए ये थीटा कोण है, सही है, सही है। अब आपको चाहिए लंबवत दूरी, तो यहां पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब कहां होगा, ये बीसी है अपॉन कर्ण, यानी कि क्या हो गया, ए बी हो गया। हमें बीसी चाहिए तो बीसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ए बी का मान क्या है, 2a, और ये क्या हो गया, साइन थीटा। तो हमें बीसी मिल चुका है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये 10th लेवल का कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है, वहां पे ये सारी चीजें आपको करनी आ जाती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो ये बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए और आनी चाहिए कि कब हम आधार के लिए कॉस थीटा का यूज करते हैं, लंब के लिए साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। यहां पे कर्ण दिया हुआ था तो हमें बीसी मिल चुका है, समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, मैं इसे साफ कर देता हूं क्योंकि ये वैल्यू मुझे याद हो चुकी है। तो जो डिस्टेंस है लंबवत वाली वो हमने फाइंड कर ली है, यहां पे मैं लिख देता हूं ये आई 2a साइन थीटा। फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला है बल, बल का मान है QE इनटू बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो है 2a साइन थीटा, राइट। इसको हम टाउ से दिखाते हैं, इस तरीके का साइन होता है। तो हमारे पे फॉर्मूला हो रहा है, इसको हम अच्छे से लिखेंगे, ये हो रहा है 2QA E साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए जो 2QA है ये किसका मान है, तो मैंने आपको बताया था कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एक बल आघूर्ण, आज हम जो पढ़ रहे, कंफ्यूजन मत करना, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण, और ये है द्विध्रुव आघूर्ण, जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका आघूर्ण है। तो P इक्वल्स टू 2QA ही मैंने आपको बताया था, राइट। तो यहां पर यह वैल्यू पी है तो इसे हम लिख सकते पी ई साइन थीटा। ये टाउ का मान है, आपने एक शानदार फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल दो तीन स्टेप ही इसमें है, दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत प्यारा ये रिजल्ट है, टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। कुछ कुछ रिजल्ट होते हैं ना ऐसे लगते हैं अपने ही हैं, तो वही ये भी है पीई साइन थीटा। ये रिजल्ट हमने प्राप्त कर लिया है बहुत आसानी के साथ। तो ये कंडीशन है, इसके बाद इस कंडीशन को हम थोड़ा सा बेटर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि जो टाउ है, बल आघूर्ण है, ये एक सदिश राशि है। जो ई है, वैद्युत क्षेत्र है, वह भी सदिश राशि है, और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह भी सदिश राशि है। अब तीनों सदिश राशियां हैं, उनमें गुणा होना है, तो जब तीनों सदिश राशियां होती है उनमें गुणा होता है तो यह रिलेशन होता है टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। ध्यान दीजिए ये क्रॉस होता है, क्या होता है, क्रॉस होता है। मैं एक और चीज आपको बता दूं, क्योंकि सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इसको हम क्रॉस मल्टीपल कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट कहां पे होता है, जो अदिश गुणन होता है, जब दो राशियां, मान लीजिए, कोई कंफ्यूजन मत करना कि P और E तो क्या होते, सदिश होते, लेकिन इनका जो गुणा होता वो अदिश होता, तो तब इनके बीच में क्या लगता, डॉट प्रोडक्ट लगता। लेकिन इनका जो गुणा है वो भी सदिश राशि है तो इनके बीच क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, इसको हम सदिश गुणन कहते हैं, सदिशों का सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट कभी कभी इस फॉर्म में पूछा जाता है, कभी कभी इस फॉर्म में आता है कि सिद्ध कीजिए टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। समझ में आ गया होगा, तो अच्छे तरीके से ये दोनों फॉर्मूले आपको ड्राइव करने आगे होंगे। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट काम है, फॉर्मूला हमने बना लिया है, फॉर्मूला बनाना उतना टफ टास्क नहीं है जितना कि उसको एक्सप्लेन करना है। हमें समझना है, उसकी भाषा समझनी है कि भाई जो ये भौतिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं वो हमें बताता क्या है। हम आगे जानना चाहते हैं कि जो द्विध्रुव है उस पर कब बल आघूर्ण कार्य करेगा और कब बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, केयरफुली इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि कहीं पे कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको अपनी नोटबुक में जरूर लिख दीजिए। खाली वीडियो देखना नहीं है, लिखना भी है आपको, क्योंकि आपका जो अभी टीचिंग का मेथड चल रहा है वो ऑनलाइन ही चल रहा है, तो आपको लिखना भी है साथ में। तो मैंने क्या कहा कि यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्मूला हमने बना लिया है, अब हम चाहते हैं कि इसको अंडरस्टैंड भी करें। अंडरस्टैंड कैसे करना है कि वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर कब बल आघूर्ण कार्य करता है, कब नहीं करता है, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है।
तो बहुत इजी है ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन देखो कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। इसका जो नोट्स होगा वो वीडियो के अंत में आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए कि अभी पूरा फोकस आप कीजिए समझने पे, राइट। तो यहां पे ये फॉर्मूला आया है, यहां पे कंडीशन रखते हैं, कंडीशन ये रखते हैं इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब कुछ छात्रों को मैं बार बार कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन हम अपनी तरफ से खड़े कर रहे हैं, यानी कि अगर आप सामने पे होते, क्लास चल रही होती, तो आप पूछते हमसे क्वेश्चन, पर यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चन खुद कर रहा हूं वो क्वेश्चन करने के पीछे यही है कि ये सारे क्वेश्चन बच्चों को नहीं पता होते हैं। थीटा इक्वल्स टू जीरो का मीनिंग क्या होता है, कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, हमने जो द्विध्रुव है उसको ऐसे रखा है, तब कितना कोण बना है, थीटा कोण बना है। अगर मैं इस द्विध्रुव को ऐसे रख दूं, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दूं, ध्यान से समझिए, ऐसे रखा है तो थीटा कोण बना है। अब हम कह रहे थीटा का मान जीरो है, यानी कि जो कोण है वो जीरो डिग्री है, कोण है ही नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस टाइम पे द्विध्रुव जो है इसके समांतर होगा। ये देखिए, इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं, आप मार्कर देखिए, जब ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तो उस टाइम पे जो कोण होगा वो जीरो डिग्री का होगा। और ध्यान भी रखिए, जो समांतर रेखाएं होती हैं या किसी लाइन के अनुदिश दूसरी लाइन होती है उनमें जीरो डिग्री का कोण होता है। तो जिन बच्चों को पता नहीं उनके लिए ये बताया गया, जिनको पता है वो पहले ही समझ गए होंगे थीटा इक्वल्स टू जीरो का मीनिंग क्या होता है। तो हम कह रहे हैं, अब कंडीशन क्या आई, इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो, इसका अर्थ समझ में आ गया हमने क्या, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि जो डाइपोल है, डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूनिफॉर्म या इस तरीके का मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सीधे लिख दिया डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रख दिया, उसको पैरेलल रख दिया। तो पैरेलल रख दिया तो क्या होगा, इस फॉर्मूले पे आ जाइए, टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन जीरो हो जाएगा भाई, थीटा की जगह पे जीरो आ गया, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती तो PE इंटू जीरो दैट मीन जीरो। ये देखिए, टॉर्क काम ही नहीं कर रहा है, बल आघूर्ण नहीं लगता है। फॉर्मूले के हिसाब से हमने समझ लिया है कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखेंगे, इस पोजिशन में रखेंगे इस तरीके से, तब उस पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। छात्र खुश, मजे आ गए, ठीक है भाई, समझ गए, कैलकुलेशन कर दिया और हमें समझ में आ गया कि इस पे बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा वो भी तो समझ लें, क्यों नहीं करेगा वो भी तो समझ में आना चाहिए। देखिए ये है, ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, इस पे बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए मैं यहां से खींच रहा हूं इसको, ये एक बार ऐसे दिखा देता, इस डायरेक्शन में इस पे बल लग रहा है और इस डायरेक्शन में इस पे बल लग रहा है। देखिए मैं इस मार्कर को बहुत जोर से खींच रहा हूं इस तरीके से, इस पे इस तरीके से बल लग रहा है, ये बल इस साइड को, ये बल इस साइड को, दोनों बल बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं, तो उनका जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए उस पे क्या नहीं कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, लेकिन उस पे बल लगता है और बलों का जो परिणाम है वो शून्य हो जाता है। तो ये स्थायी अवस्था है, यानी कि इसमें ये बिल्कुल स्थायी रूप से इस तरीके से है, देखिए कहीं नहीं जाएगा, एक बल यहां है, एक बल यहां है और बिल्कुल खिंचाव की स्थिति में है, यहां पे स्टेबल रहेगा। तो ये स्थायी स्थिति है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, समझ में आ गया होगा। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और कंडीशन लेते हैं, यहां पे कंडीशन बदली जाए, राइट। तो ध्यान दीजिए, इसी को बदल देता हूं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं 90 डिग्री पे, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहां पे डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल की जगह पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल आप कह सकते हैं या परपेंडिकुलर कह सकते, मैंने नॉर्मल लिख दिया, अभिलंब उसको हमने रख लिया है, राइट, यानी कि लंबवत रख लिया, कैसे रख लिया है ये भी देख लीजिए, इस तरीके से रख लिया, ये 90 डिग्री का कोण है भाई, सीधे इस तरीके से, ये ऐसे में लाइन है और इस तरीके से हमने इस पे बना दिया, ये 90 डिग्री पे रख लिया, देखते क्या होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी थीटा कह रहा हूं, ये हो जाएगा tau is equals to PE sin, क्या हो जाएगा 90, और PE sin 90 की वैल्यू 1 होती है 1, tau maximum बोलते हैं इसको, सबसे ज्यादा यही टॉर्क लगता है, ये हो जाएगा PE। तो अगली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखेंगे, when electric dipole placed perpendicular to the
uniform electric field, then the value of torque is maximum and it is tau is equals to PE. तो ये मैक्सिमम कंडीशन है, बिल्कुल सही भी है भाई, ये यहां लगेगा, ये यहां लगेगा और तब तक लगेगा जब तक ये बिल्कुल समांतर, जैसे समांतर आएगा वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। ऐसे आप 180 पे रख दीजिए, 180 में क्या होगा, जो टॉर्क का मान होगा वो जीरो होगा या लेकिन अनस्टेबल की कंडीशन होगी। अनस्टेबल क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि ये इस साइड में होगा, ये इस साइड में होगा, यहां इस पे जो बल लगेगा वो विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, यहां भी जो बल लगेगा वो विपरीत, ये इसको घुमा के वहां ले जाना चाहेगा, वो यहां आना चाहेगा, तो अनस्टेबल की कंडीशन है। तो जो हमारा टॉपिक था उसका जो फाइनल आपको समझना है वो ये समझना है कि जब किसी वैद्युत विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। ये की पॉइंट है, मैंने इसीलिए कहा था कि जो रिजल्ट निकलेगा वो की पॉइंट होगा। आज से हमें अब ये अपने साथ याद रख लेना है कि जब भी किसी वैद्युत विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है और उस बल आघूर्ण का मान क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। पीई साइन थीटा ये उसका मान होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसान होते हैं, आपके पास एंगल दिया होता है, साथ में जो चार्जेस होंगे उनके मान भी दिए जाते हैं, तो कर सकते हैं। क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं आपको और ये बहुत इजी टॉपिक है। तो एक आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक पड़ा है तो इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि जो वैद्युत विध्रुव है उसका आघूर्ण दिया गया है, पी दिया गया है हमें, और उसका मान दिया गया है 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर। ध्यान रखना इसको कूलाम मीटर कहते हैं, राइट। यहां पे क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आवेशों के मान दिए गए हों और उनके बीच की दूरी दे देगा, तो आप पहले पी फाइंड कर लेना, यानी कि ये हो सकता है कि द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो ना दिया गया हो, यहाँ पे आवेश दे दिया गया हो, यहाँ पे आवेश एक पॉजिटिव नेगेटिव इनके मान दिए गए हो न्यूमेरिकल, और इनके बीच की डिस्टेंस दी गई हो। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले के साथ 2qa के साथ पी का मान ज्ञात कर लीजिएगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे पी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है जिसमें उसको रखा गया है 5×10⁴ न्यूटन पर कूलाम है, और कितने कोण पे है ये देखिए, जो थीटा का मान है वो 30 डिग्री है, और हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, हम क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है ये और फिर उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं टाउ इज इक्वल्स टू होता है पीई साइन थीटा। ये तो केवल एक वैल्यू पुट करने वाली बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 4×10⁻⁹ हो गया, इंटू ई का मान 5×10⁴ दिया है, और इंटू साइन 30 आपको रख देना है, क्लियर है। उसके बाद मल्टीपल करेंगे, 4 और 5 का कर दीजिए तो 20 हो गया, 10⁻⁹ है ये प्लस 4 है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, क्लियर है। उसके बाद इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 10×10⁻⁴, अब ये माइनस का 9 प्लस का 4 है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 है तो 10×10⁻⁴ हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी कि इसकी पावर 1 होगी, जहां पे केवल 10 है उसकी पावर 1 होती है, ये वैल्यू हो गई। अब टॉर्क का जो मात्रक है वो आपको पता होना चाहिए, तो अगर टॉर्क का मात्रक पता नहीं है तो देखिए टाउ इज इक्वल टू होता है F×R, F क्या है न्यूटन है और R क्या है मीटर है, तो न्यूटन मीटर होता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा न्यूटन मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। ये फाइनल आंसर है यहाँ पे इस क्वेश्चन का, राइट। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, क्या दिया हुआ था आपके पास, द्विध्रुव का आघूर्ण दिया था, वैद्युत क्षेत्र दिया था जिसमें उसको रखा गया, कितने डिग्री के कोण पे रखा गया है, 30 डिग्री के कोण पे रखा गया, और आसानी के साथ आपने इसको कर लिया। साथ में मैंने आपको ये हिंट भी दी कि यदि पी ना दिया हो तो पहले आप पी फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर आप कमेंट्स करें, अदरवाइज अपनी पढ़ाई जारी रखें, और जो अगला वीडियो होगा वो इससे संबंधित ही होगा, उसमें थोड़ा सा हम कुछ चेंजेस करेंगे, तो देखिए क्या उसमें होता है, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।